आज हमने ये जो शांति मार्च निकाला है ये एनआरसी और कैब के समर्थन में निकाला है, क्योंकि एनआरसी और कैब से किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, उसके नागरिकता पर कोई आँच नहीं आने वाली। एनआरसी में जिस तरह से हिंदू भाइयों का रजिस्टर में नाम जुड़ेगा, उनको भी उसी तरह के डॉक्यूमेंट देने हैं जिस तरह के अन्य संप्रदाय के लोगों को देने हैं। उसी तरह से कैब में किसी की नागरिकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि किसी की नागरिकता छीननी है। सिर्फ जो प्रताड़ित शोषित वर्ग है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, जो अल्पसंख्यक शोषित हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों को भारत में शरण देने के लिए ये कानून लाया गया है। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए देश को जला रही हैं, जिनमें कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, ऐसी कई पार्टियां जो एक वर्ग विशेष को भड़काकर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही हैं। अराजकता पैदा करना बहुत आसान है, मगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आज हम सब लोगों ने ये शांति मार्च मोदी जी के समर्थन में निकाला है कि मोदी जी ने देश के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही अनुकरणीय है। करोड़ों घुसपैठिए जो हमारे देश की संपदा पे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं। आज भी जिस तरह से यूपी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पूरे देश में जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है और हम सब युवा वर्ग इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग किसी भी सूरत में इस कानून को वापस नहीं होने देंगे। अगर हमें भी उसी तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ा और इसीलिए हमें मजबूर किया गया, तो हम सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए ये जो दोषी राजनीतिक पार्टियाँ हैं इन्हें भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारी युवा शक्ति को भड़का कर इस कानून के खिलाफ गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये जो कानून है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा है, और जो प्रताड़ित जो समुदाय है दूसरे देशों में, जिनका जो बहुत ही बदतर जिंदगी जीवन के लिए मजबूर है, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। और देश में रह रहे किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा, ना ये किसी तरीके से उनके लिए गलत है। तो जो कुछ समाजी कंटक पार्टियों द्वारा ये जो संदेश दिया जा रहा है युवाओं में, और ऐसे हमारे सामने बहुत सारे दंगे और ऐसी चीज़ सामने आ रही हैं, तो बहुत ही गलत है। और जो ये कानून है ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो प्रताड़ित हैं और दूसरे देशों में रहना नहीं चाहते, वो हमारे हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। ये रैली कॉमर्स कॉलेज चौराहे से तलमंडी चौराहे तक निकाली गई है। रैली कैब और एनआरसी के समर्थन में निकाली गई है, जिसमें हमारे हितू भैया इसमें बहुत योगदान रहा, और हमारे सारे भाइयों और कॉमर्स जेडीपी कॉलेज से भी इसमें योगदान रहा। हम मोदी जी के समर्थन में और सभी से गुजारिश करते हैं कि कैब और एनआरसी को देश में जो लागू है इसको रहने दें। अगर इसे हटाने की बात चली या कुछ भी हुआ, तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन आज तो समर्थन में किया है और ये चलता रहेगा, हम इसे नहीं हटने देंगे। पुलकित गोलो, छा सिंह अध्यक्ष, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय। इसलिए मानसिकता के नाते करिए कि जिस हिसाब से देश के नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित और रक्षित करने के लिए जो 6 महीने में आए दिन एक से एक ताबड़तोड़ बहुत बड़े डिसीजन लिए, उसके समर्थन में आज हमने रैली निकाली है नागरिक संशोधन बिल के तत्वावधान में, इसके मामले में को लेकर। और हमने जिस प्रकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की प्रतिशत कम हुई है, भारत के अंदर अल्पसंख्यक बढ़े हैं ना कि कम हुए हैं, तो ये जो विरोध में रैली कर रहे हैं ये बहुत गलत तरीके से कर रहा है, अहिंसक गलत तरीके। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके विपक्ष में हमने ये रैली निकाली है, इसके खिलाफ कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर देश की इसको साधन संबंध को ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। जितनी भी पार्टियाँ इसके विरोध में, नागरिकता के बिल के विरोध में, बहुत दंडनीय है ये। नाम बता राकेश से बिला एससी मोर्चा।